आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी में 6 नोटिफिकेशन आई है कल रात को 5 जुलाई 2022 को। ये 6 की 6 नोटिफिकेशन कहती क्या है इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से व्हाट्सअप करके ये नोटिफिकेशन की कॉपी ले सकते हैं, या आप जीएसटी की साइट पर जाकर, सीबीआईसी की साइट पर जाकर यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इन 6 नोटिफिकेशन में 5 नोटिफिकेशन तो बड़ी छोटी छोटी हैं। एक नोटिफिकेशन में रूल्स को अमेंड किया गया है, वो नोटिफिकेशन बड़ी है। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारी नोटिफिकेशन को डिस्कस कर ले। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, एक बार लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली नोटिफिकेशन से। तो पहली नोटिफिकेशन जो इस आई है, नोटिफिकेशन नंबर 9 है, जो 5 जुलाई 2022 को आई है। इसने बोला है सीक्स टू नोटिफाई द प्रोविजन ऑफ लॉसी ऑफ सेक्शन 110 और 111 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी के अंदर 2 सेक्शनों को लाया तो गया था फाइनेंस एक्ट में, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा था, तो इस नोटिफिकेशन ने उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि 5 जुलाई से, कौन सी जुलाई से, 5 जुलाई से ये दोनों सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया है, इनकी अपॉइंटमेंट डेट कर दी है। ये दोनों सेक्शन कौन से हैं, इन दोनों सेक्शनों में क्या कहा गया है, तो अगर आपको याद होगा, एक तो हमारा था सेक्शन 49(10), जिसके अंदर हम लिखते थे कि भाई कैश लेजर से आप अपना, कैश लेजर से जो आपका बैलेंस है दूसरे जीएसटीएन पर ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है, उसकी बात की गई थी। और एक था हमारा इंटरेस्ट को लेकर कि भाई जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो कैसे लगेगा, तो इन दोनों सेक्शनों को अब नोटिफाई कर दिया है। पहले जीएसटी ऑफिसर हमेशा कहते थे कि भाई आप बताओ नोटिफाई कहाँ हुए ये सेक्शन, जब मैं उनसे कहता था कि अगर मैंने क्रेडिट ले लिया है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं करा है तो मुझ पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, तो डिपार्टमेंट हमेशा ये कहता था कहाँ लिखा है ये दोनों सेक्शंस कहाँ नोटिफाई हुए हैं। तो अब आप उन्हें कह सकते हो कि ये दोनों सेक्शन नोटिफाई हो गए हैं। अभी जो हम रूल्स वाली नोटिफिकेशंस को देखेंगे वहां पर भी इसका जिक्र करेंगे। तो पहला तो बड़ा रिलैक्सेशन ये है कि ये दोनों सेक्शंस नोटिफाई हो गए, एक हमारा कैश लेजर के ट्रांसफर का और दूसरा इंटरेस्ट का। अगली बात करते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 10 आई है, उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो जीएसटीआर 9 है अप टू 2 करोड़ वालों के लिए एग्जेम्प्ट है। तो ये वाली बात इन्होंने प्रेस रिलीज में भी बोली थी, यहां पर भी इन्होंने यही बात बोली है बिल्कुल सेम टू सेम कि भाई आप जो सेक्शन 44 में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते थे उसे हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है अगर किसी की टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। अब यहां पर कई लोगों का मानना यह है कि कंपोजिशन डीलर की जो रिटर्न होती है 9A उसका क्या होगा, तो भाई एज पर माय व्यू कंपोजिशन डीलर की जो 9A है वो एग्जेम्प्ट है अप टू 2 करोड़, और कंपोजिशन डीलर की जो सेल होती है वो होती ही 1.5 करोड़ है, तो इसका मतलब वो एग्जेम्प्ट ही है, लेकिन उसे हटाया नहीं गया है, अभी भी सेक्शन 44 के अंदर वो कवर अप होती है, लेकिन चूंकि हम उसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये दूसरी नोटिफिकेशन है। अब तीसरी नोटिफिकेशन क्या है, जो नोटिफिकेशन नंबर 11 आई है, उसमें बोला है कि जो CMP 08 की जो तारीख थी वो हमने बढ़ा दी है। अगर आपको पता हो ये वैसे जो तारीख होती है, ठीक है ना, आपका जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है उसके बाद 18 तारीख होती है, लेकिन उसे बढ़ाकर इन्होंने 31 जुलाई कर दिया है। तो नोटिफिकेशन नंबर 11 में इस चीज को बोला है कि CMP 08 की जो तारीख है वो इन्होंने कब तक बढ़ा दिया, 31 जुलाई 2022 तक। तो 3 नोटिफिकेशन आपने कवर कर ली। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसा लग रहा है आपको नोटिफिकेशन, समझाने का तरीका थोड़ा जल्दी में हूं बस। चौथी नोटिफिकेशन क्या है कि भाई जो इन्होंने लेट फीस का वेवर ऑफ करा है GSTR 4 के लिए, तो नोटिफिकेशन नंबर 12 में इसका जिक्र करा है। तो नोटिफिकेशन नंबर 12 क्या कहती है कि भाई अगर आप, ठीक है ना, 28 जुलाई तक
अपनी GSTR 4 फाइल करते हो, अगर आपको ओरिजिनल डेट पता है तो इसकी ओरिजिनल डेट वैसे 30 अप्रैल होती है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर आप 28 जुलाई तक भी अपनी GSTR 4 फाइल करते हो कंपोजिशन वालों, तो हम तुमसे लेट फीस नहीं लेंगे। तो इन्होंने इसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दी। ये चार नोटिफिकेशंस इन्होंने निकाली है लगभग ड्यू डेट्स को लेकर और सेक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब जो दो नोटिफिकेशन है ये बड़ी शानदार है, बड़ी खतरनाक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब एक है नोटिफिकेशन नंबर 13, इन्होंने क्या करा है, अपनी पावर को यूज करा है सेक्शन 168A की, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। अब ये जो इन्होंने पावर यूज करी है ये बड़ी गलत पावर यूज करी है, असेसी से इसका फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्या इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, इस नोटिफिकेशन नंबर 13 को पढ़ना। इन्होंने क्या बोला है कि भाई यहां पर तीन चीजें हैं और ये नोटिफिकेशन रेस्ट्रोपेक्टिव इन्होंने बोला है कि एप्लीकेबल होगी कब से, 1 मार्च 2020 से। नोटिफिकेशन कहती क्या है कि अगर आप सेक्शन 73 की बात करोगे तो आपको पता है सेक्शन 73 में नोटिस इशू करने की और ऑर्डर इशू करने की एक टाइम लिमिट होती है। वो टाइम लिमिट क्या होती है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 2 साल 9 महीने तक आपको नोटिस इशू करना है और 3 साल तक ऑर्डर इशू करना है। अब ये वाला टाइम एक्सपायर हो रहा था, तो ये टाइम एक्सपायर हो रहा था तो डिपार्टमेंट को लगा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत लोगों ने दिक्कतें कर रखी है, गलत ITC ले रखा है, ठीक है ना, गलत रिफंड क्लेम कर रखा है। तो डिपार्टमेंट ने अपनी पावर को यूज करके ऑफिसर्स के लिए टाइम बढ़ा दिया। क्या टाइम बढ़ाया, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। ये कहता है एक्सटेंड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर इशू करने का टाइम बढ़ा दिया। अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73 फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। अगर आपने इनपुट टैक्स गलत लिया है, ज्यादा ले लिया या टैक्स पे नहीं करा है, तो आपके पास जो नोटिस आ सकता था वो 2022 तक आ सकता था, क्योंकि इसका जो 2 साल 9 महीने का पीरियड था ये लगभग अक्टूबर 2022 में खत्म हो रहा था। लेकिन अब इस पीरियड को इन्होंने कहां तक एक्सटेंड कर दिया, 30 सितंबर 2023 तक। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑफिसर की पावर बढ़ गई है, आपका खतरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, खतरा और बढ़ गया है कि अब आपको 30 सितंबर 2023 तक टेंशन रहेगी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है, एक्सक्लूड द पीरियड फॉर 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2020 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 फॉर द सेड एक्ट इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 फॉर सेड एक्ट रिकवरी ऑफ एररनेस रिफंड। रिफंड के लिए इन्होंने 2 साल का रिफंड जो गलती से इन्होंने दे दिए थे उसकी रिकवरी के लिए इन्होंने इस 2 साल के पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि यहां पर 2 साल का पीरियड और बढ़ गया। जो पीरियड आपका 2022 में खत्म होने वाला था वो लगभग अब 2024 में जाकर खत्म होगा, क्योंकि 2 साल के पीरियड को खत्म कर दिया है। तो नॉर्मल केस में सितंबर 2023 तक तलवार लटकी रहेगी, रिफंड वाले केस में 2024 तक तलवार लटकी रहेगी। लेकिन यहां पर इन्होंने आपको फायदा भी दिया है कि अगर आपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है अंडर सेक्शन 54 और 55 में, तो ये 2 साल का पीरियड हम हटा देंगे जो कोविड का पीरियड था। तो यहां पर असेसी को एक रिलैक्सेशन दी है और 2 थप्पड़ मारे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा इस नोटिफिकेशन को। हालांकि आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमने अपनी मैगजीन में इसे डिटेल्ड में बताया है और मैगजीन इस बार ना लेट हो सकती है 1-2 दिन, क्योंकि आज ये नोटिफिकेशन आई है, कल रात आज हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हम इसे आज फाइनल कर दें या कल फाइनल कर दें। कोशिश कर रहे हैं जितनी नोटिफिकेशन कवर अप कर सकते हैं वो हम कवर अप कर ले। तो ये 5 नोटिफिकेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ये जो टाइम लिमिट बढ़ाई है ये कैसी लगी ये बताना। और हम बात करते हैं अब रूल्स की। अब इन्होंने 2022 के अंदर जो रूल्स को अमेंड करा है नोटिफिकेशन नंबर 14 से, उसमें बहुत खतरनाक चीजों को चेंज करा है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है एक ही नोटिफिकेशन कम से कम 10 पन्नों की है, तो हम इसे थोड़ा सा जल्दी में करेंगे। हालांकि हमारी जो मैगजीन होगी उसमें हम कोशिश करेंगे आपको इसे डिटेल में बता दें, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियोस टाइम टू टाइम हम लाते रहेंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इन्होंने क्या बोला है कि 5 जुलाई से ये रूल्स अमेंड हो गए और इन्हें बोला जाएगा रूल 2022।
अब इन्होंने पहला रूल क्या चेंज करा, पहला रूल इन्होंने चेंज करा है रूल 21A के अंदर एक सब रूल 4 को इंसर्ट करा है। सब रूल 4 को इंसर्ट करके क्या बोला है कि अगर किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है सिस्टम के द्वारा, सिस्टम मतलब पोर्टल के द्वारा, अगर पोर्टल ने किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया अंडर सब रूल 2A, किस वजह से, क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, ठीक है, और प्रॉपर ऑफिसर ने उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल नहीं करा, सिस्टम ने रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा, तो इस केस में अगर आप अपनी सारी रिटर्न फाइल कर दोगे तो सिस्टम अपने आप आपके जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिवोक कर देगा, आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये नया सब रूल इन्होंने इंसर्ट करा है। अगर मैं दूसरे रूल की बात बताऊं तो इन्होंने रूल 43 के अंदर जो एक एक्सप्लेनेशन होती थी वहां पर एक क्लोज को इंसर्ट करा है। उस क्लोज में इन्होंने क्या बोला इंसर्ट करके कि अगर आप ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट सेल करते हो तो वो एग्जेम्प्ट है और उसके रेस्पेक्ट में जो ITC है वो रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने रूल 46 में चेंज करा है। रूल 46 आपको पता है हमारा टैक्स इनवॉइस का रूल होता है, इसके अंदर इन्होंने एक डिक्लेरेशन आपसे मंगवाई है, उस डिक्लेरेशन में ये आपसे ये कसम खिलवा रहे हैं कि भाई हमारी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो ई इनवॉइस के दायरे में आती है या नहीं आती है, इसके लिए ये आपसे कसम खिलवा रहे हैं। क्या लिखवा रहे हैं, IV डिक्लेयर डेट दो आवर एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स इज मोर देन एग्रीगेट टर्नओवर अंडर रूल 4 ऑफ रूल 48। तो इसमें ये यहाँ पर एक डिक्लेरेशन ले रहे हैं, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेड सब रूल। तो अगर किसी पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है या नहीं एप्लीकेबल हो रही है, अब उसके लिए यहाँ पर ये एक डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। इसे अभी हम फर्दर ऑन एनालाइज करेंगे क्योंकि अभी पूरी तरीके से एनालाइज नहीं करा है। इसके अलावा इन्होंने रूल 86 के अंदर एक चेंजेज करा है। इन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें गलती से रिफंड हमने दे दिया तो अब आप उस रिफंड को वापस कर दो विद इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्म बनाया है PMT 03A। तो इस फॉर्म के द्वारा अगर आपने गलती से रिफंड ले लिया है तो आपको वो वापस करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने रूल 87 में चेंज करा है। रूल 87 हमारा किस चीज का होता है कि भाई अगर हमारे को टैक्स पे करना है तो हम कैसे पे करेंगे, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसमें चेंज करके लिखा है कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, UPI से भी टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, IMPS से भी टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। तो उसे चेंज करने के लिए इन्होंने रूल 87 में चेंज करा है। इसके बाद इन्होंने एक नया सब रूल 14 इंसर्ट करा। किस चीज के लिए इंसर्ट करा, याद है अभी एक नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला था सेक्शन 49(10) कि जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि आप कैश लेजर का बैलेंस एक GSTN से दूसरे GSTN पे ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसके लिए इन्होंने PMT 09 फॉर्म को यहां पर लेकर आए हैं और कहा है कि आप PMT 09 के माध्यम से ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने रूल 88B एक नया रूल लेकर आए और उस रूल में क्या लिखा है, और ये रूल कब से माना जाएगा, 1 जुलाई 2017 से। ये किसके लिए है, ये सेक्शन 50 के लिए है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। इन्होंने ये बताया, पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का कोई रूल ही नहीं था, लेकिन इन्होंने अब रूल 88B को लाकर इन्होंने बोला है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, कि अगर आप डिले पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो तो आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इन्होंने इस चीज को बताया है। इन्होंने 88B के अंदर ये चीजों को कवर अप करा है, तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई रूल 88 के अंदर अब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है रूल 88B उसके लिए आ चुका है कि कब इंटरेस्ट लगेगा, कब क्रेडिट लेजर में माना जाएगा कि आपने यूटिलाइज नहीं करा, इसके लिए इन्होंने यहां पर एक्सप्लेनेशन भी इशू करी है। तो इसके लिए कई बार डिपार्टमेंट पूछता था कहाँ लिखा है, असेसी पूछता था, तो अब इन्होंने ये चीज रूल में लिख दी है। इसके बाद इन्होंने रूल 89 के अंदर भी चेंज करा है। तो रूल 89 के अंदर ऑफिसर का जो है कि स्पेसिफाइड ऑफिसर का मतलब क्या होगा, उसे लेके थोड़े से चेंजेस
करे हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या चेंजेज इन्होंने करे हैं। इन्होंने जो रूल 95A था उसे ओमिटेड कर दिया 1 जुलाई 2019 से। आई थिंक ये मेरे हिसाब से इंटरनेशनल टूरिस्ट वाले में रिफंड कैसे होगा उसके लिए था, तो इन्होंने इसे चेंज कर दिया। हाँ, एक बड़ा चेंजेज जो इन्होंने करा है, ये हालांकि रिफंड्स के अंदर चेंजेज है, हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे जो इन्होंने चेंजेज करा है 3B के अंदर, अब आपकी जो GSTR 3B है वो बदल जाएगी। GSTR 3B के अंदर उन्होंने क्या चेंज करा है, अब GSTR 3B की जो टेबल है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, माल बेच रहे हैं या आपके ऊपर सेक्शन 95 लग रहा है, 95 मतलब जैसे आपका जोमेटो, जैसे मैं आपको बता दूं ओला उबर वाले केसेस है, ठीक है ना, अगर उस तरह का कोई केसेस है तो उसके लिए इन्होंने अलग से टेबल बताई है। ये हमने पिछली मैगजीन्स में भी दिया था और कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट मंथ की मैगजीन में भी दे दें, और आपको नहीं तो फ्लायर वाली जो हमारी सर्विसेज है उसमें हम आपको ये चीज़ें दे दें। अब इन्होंने 3B को चेंज कर दिया है, अब आपको टेबल 3.1 के बाद 3.1A दिखेगी जिसके ऊपर सेक्शन 95 लगता है। 95 किसके ऊपर लगता है, मान लो मेक माई ट्रिप के ऊपर लगता है, ठीक है, ओला उबर के ऊपर लगता है, ठीक है ना, उनके लिए इन्होंने नई टेबल दी है। तो इन्होंने सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन 39 में कोई ऐसा बदलाव नहीं करा, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है उसमें इन्होंने बदलाव कर दिया है। तो हमारे को यह चीज भी समझनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या चेंजेज उन्होंने करे हैं। अब GSTR 9 हर साल की तरह इस साल कुछ ना कुछ तो चेंजेज करेंगे कि जहां पर जो ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, उन्हें चेंज करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने GSTR 9 को भी चेंज करा है कि भाई GSTR 9 में जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 लिखा होगा वहां पर 21-22 लिख दिया होगा। तो ये सारे चेंजेज इन्होंने इसके अंदर करे हैं कि GSTR 9 का भी अब फॉर्म आ गया है। इसी तरीके से 9C के अंदर भी चेंज करे हैं, और यहां पर नीचे PMT 03A का फॉर्मेट दे दिया है कि PMT 03A कैसा होगा। तो भैया ये सारे चेंजेज हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार की मैगजीन या नेक्स्ट मैगजीन में हम आपको दे दें, नहीं तो जो हमारी फ्लायर वाली सर्विस है हम वहाँ से आपको दे देंगे। इसके अलावा आप कहते हो कि सर फ्री में कुछ नहीं कराते, अब की बार हमारा फ्री में सेशन है इस सैटरडे को कि भाई आप अपनी सांसों को सही से कैसे ले, उसके लिए फ्री सेशन रखा है। तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, जो दिल्ली NCR के होंगे उनका हमारे ऑफिस में ही ये सेशन होगा। इसके अलावा हमारा इनकम टैक्स पे, आपको पता है 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो इस बार हमने बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया है, अमित गोयल जी को, प्रवीण बंसल जी को, मोहित जी को। तो अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करा ले। और अगर आपको मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए या फ्लायर्स की सैंपल कॉपी चाहिए या आप हमारी ये सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, वो हम आपको दे देंगे। इस बार की मैगजीन एक आध दिन डिले होगी लेकिन आएगी मज़ेदार। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस क्लियर हो गई होगी। रूल्स वाली नोटिफिकेशन पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, उसे हम आने वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाती। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चैनल सब्सक्राइबर 2 लाख तक पहुँचाने अब आपको, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों से करा ले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।